हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लेके हूं एक फरसान की रेसिपी। अभी त्योहारों के सीजन चालू होने वाली है और त्योहारों पे हम कोई ना कोई फरसान बनाते ही हैं, तो आज हम पात्रा बनाएंगे, वो भी इंस्टेंट पात्रा बनाएंगे। इसमें आपको रोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये जो पात्रे बनते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलो देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 15 अलवी के पत्ते लिए हैं। अगर ग्राम के हिसाब से जाते हैं तो मैंने 150 ग्राम लिया हुआ है। ये जो अलवी के पत्ते हैं वो आपको एकदम सॉफ्ट वाले लेना है, बहुत बड़े साइज़ के नहीं लेना है। जब भी आप अलवी के पत्ते खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे जो पिंक वाली स्टेम आती है वही लेना है। ग्रीन वाली जो स्टेम आती है वो गले में अटकती है, तो वो आपको नहीं लेना है। आप ट्राई करें कि ये पिंक वाली ही स्टेम वाले पत्ते ले, और बहुत बड़े साइज़ के पत्ते नहीं लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेते हैं। मोस्टली जब हम पात्रा बनाते हैं तो इसके रोल बनाते हैं और इसके बाद इसे स्टीम करते हैं। आज हम आसान तरीके से कैसे पात्रा बनाए जाते हैं वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है अलवी के पत्ते, तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इसे अच्छे से पोंछ लिया। इसके बाद लेना है, अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टेम निकाल देंगे। यहाँ पे जो ऊपर की साइड जो स्टेम है वही आपको हटाना है, बाकी की स्टेम जो पतली वाली रहती है वो आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पत्ते को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसको फाइनली चॉप करेंगे। तो इस तरह से हमें एकदम फाइनली चॉप करना है। यहाँ पे आप मोटा मोटा चॉप करेंगे तो भी चलेगा, पर मैंने फाइनली चॉप किया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून रफली क्रश किया हुआ सौंफ ले लेती हूँ। 1 टेबलस्पून तिल, स्वाद अनुसार नमक, जस्ट हल्का सा हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हींग। यहाँ पे मैं ले रही हूँ गुड़, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 टेबलस्पून गुड़। इसकी जगह आप चीनी भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून इमली का पल्प, 2 टेबलस्पून अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट। इसी के साथ इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून तेल, तो यहाँ पे मैंने मूंगफली का तेल लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा आपको लाल मिर्च पाउडर डालना हो तो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करें, सारे मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप बेसन, और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो बैटर है वो थोड़ा सा आपको गाढ़ा ही रखना है। ये मिक्सर बनाने के बाद ही आपको इसमें बेसन डालना है, तो और 1 कप में इसमें बेसन डाल देती हूँ। तो ये मिक्सर हमारा रेडी है, तो इसे ढककर एटलीस्ट 10 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे ताकि इसमें सूजी डाली है वो फूल जाए और बेसन भी फूल जाए। तब तक हम स्टीमर को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिया है और स्टीमर के अंदर मैंने पानी रख दिया है, इसके ऊपर मैं जाली रख देती हूँ। इसे ढककर हम स्टीम होने के लिए रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, थाली को ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली का तेल लिया हुआ है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, इसे खोल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा लेंगे और इसके ऊपर हल्का सा हम पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये ढोकले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, तो बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं है। तो बैटर हमारा रेडी है, इसे थाली में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर आपको ये लगे ये मिक्सर गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा सूजी या तो बेसन भी डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर तिल रख देते हैं इस तरह से।
हल्का सा इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं। एक साइड स्टीमर भी रेडी है। इसे स्टीम होने के लिए एटलीस्ट 15 से 18 मिनट लगेगा, चेक कर लेते हैं। अगर नाइफ क्लीन निकला है तो इसका मतलब है परफेक्ट हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये पात्रा हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसे हम कट कर लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। आप इसे ढोकला भी बोल सकते हैं, आप इसे पात्रा भी बोल सकते हैं। तब देख सकते हैं इस टाइप के पात्रा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़के के लिए हमें चाहिए करी पत्ता, तो करी पत्ता लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिया है और मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म होता है इसमें डाल देते हैं 2 टीस्पून रई, 3 हरी मिर्ची, 2 स्टेम करी पत्ते की, 2 टीस्पून तिल डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, 3 टेबलस्पून जितना पानी डालना है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये स्टीम किया हुआ पात्रा। आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं या तो इस तरह से तड़का लेके भी खा सकते हैं। पानी डालने से ये जो पात्रा बनते हैं वो मॉइस्ट वाले बनते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हल्का सा इसमें नींबू का रस डाल देते हैं। इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि पात्रा टूटे ना। तो पात्रा ऑलमोस्ट हमारे रेडी है। अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं, इसके साथ ग्रेटेड कोकोनट। वापस इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो पात्रा हमारा रेडी है, इसे सर्व कर लेते हैं। ये जो इंस्टेंट पात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, मॉइस्ट बनते हैं। ये काफ़ी टाइम तक ये सॉफ्ट ही रहते हैं क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है। सूजी डालने से ये जो पात्रा बनता है वो लंबे टाइम तक मॉइस्ट वाले रहते हैं और मुँह में जाते ही घुल जाए वैसे ये पात्रा रेडी होता है। तो इस त्यौहारों में ये फरसान आप जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारा और एक चैनल है फूड कुटोर बाय जूनियर शेफ, आप इसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।